एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूरोप चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वुड्स डिस्पैच के बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम लोग कैलकटा यूनिवर्सिटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में कुछ कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। डोंट वरी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होने वाला है और जहाँ पर मैं बोलूँगी कि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज़ उसको याद कर लेना मेरे साथ साथ, ठीक है। पिछले वीडियो में तुम लोगों ने देखा था कि वुड्स डिस्पैच में ये सजेशन दिया गया था कि भैया लंदन यूनिवर्सिटी की तरह उसी लेवल पे एक कैलकटा में भी यूनिवर्सिटी खोला जाए और उसी बात को माना गया। अल्टीमेटली कैलकटा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया ऑन 24 जनवरी 1857। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई मीन दिस डेट, ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, 1857। आप मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि कैलकटा मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया। इस पूरे यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर वॉज लॉर्ड कैनिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट पेपर्स में भी आपको दिख जाएगा। कैलकटा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर, एक पोजिशन होता है भाई, जैसे प्रेजिडेंट का पोजिशन होता है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्रेजिडेंट का पोजिशन होता है या फिर प्रिंसिपल का पोजिशन होता है, वैसे ही चांसलर का भी पोजिशन होता है। तो पहले चांसलर थे लॉर्ड कैनिंग और पहले वाइस चांसलर थे, वेरी इंपॉर्टेंट, सर जेम्स विलियम कोलविल। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तुम पहला वाला याद कर लो दूसरा वाला याद ना करो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलोगे, कैलकटा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ 1857 में, पहले चांसलर लॉर्ड कैनिंग, पहले वाइस चांसलर सर जेम्स विलियम कोलविल, वेरी इंपॉर्टेंट ये तो खास करके, ठीक है। देखो अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत ही बेसिक सा एक डिफरेंस होता है। वैसे तो कई लेवल पे डिफरेंसेस हो सकते हैं बट एक सिंपल सा बात बताऊं, जैसे मैं एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ सपोज, ठीक है, तो मेरा कॉलेज जो है वहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे मैं बता दूँ, कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, पता नहीं मैंने पिछले वीडियो में नाम भी लिया या नहीं लिया है, पता नहीं, जो भी है मैं एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। तो वो कॉलेज का काम है कि मुझे उस कोर्स के बारे में उस कॉलेज की टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम मैं दूंगी तभी जाके मुझे डिग्री मिलेगा। तो वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो कैलकटा यूनिवर्सिटी लेता है, वो डिग्री कैलकटा यूनिवर्सिटी देता है। तो यूनिवर्सिटी क्या होता है, मान लो एक ऐसा जैसे कि पिताजी की तरह, हम क्या हैं, मेरे पापा की मैं बेटी हूँ, मेरा भैया मेरे पापा का बेटा है, तो मेरा भैया और मैं दोनों पापा से ही जुड़े हुए हैं, राइट। उसी तरीके से कैलकटा यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, उन कॉलेजेस में इंडिपेंडेंटली टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिग्री जो देना होगा वो ये यूनिवर्सिटी के थ्रू प्राप्त होगा। यानी अल्टीमेटली मुझे जब इको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा तो उसके ऊपर मेरे कॉलेज का नाम तो लिखा ही होगा बट उससे भी टॉप में लिखा होगा कैलकटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो होता है वो बेसिकली मेन पोजीशन पे तुम सोच सकते हो और बहुत सारे कॉलेजेस उससे लिंक होते हैं, ठीक है। तो जब कैलकटा यूनिवर्सिटी शुरुआत में इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका मेन मोटिव ही था कि हम एग्जामिनेशंस लेंगे, है ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 ऐसा करके एग्जामिनेशंस लेंगे और फिर हम अल्टीमेटली डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकटा यूनिवर्सिटी से पढ़कर पहले ग्रेजुएट, भाई ग्रेजुएट क्या होता है अगर आपको नहीं पता, पता होना चाहिए बाय द वे। आप लोग सुने होंगे कि भाई 12 पास करने के बाद, क्लास 12 पास करने के बाद हम लोग 3 साल का 4 साल का एक डिग्री के लिए पढ़ेंगे। तो जब डिग्री हासिल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई मैं ग्रेजुएट हो गई। तो कैलकटा यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट 1858 में बनते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। इनका नाम आपके लिए नया नहीं होना चाहिए, अगर तुम लोगों ने इनका नाम सुना है, एक नॉवेल लिखा था इन्होंने, अगर नाम सुना है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। 1858 में बंकिम चंद्र चैटर्जी ही बिकेम द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैलकटा यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट कौन थे, तो तुम्हारे जबान पे सिर्फ एक नाम, बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है। और फीमेल ग्रेजुएट्स ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि 1-2 फीमेल ग्रेजुएट्स का नाम बता दो। कुछ फीमेल ग्रेजुएट्स का नाम आ जाता है, कदम्बिनी गांगुली, चंद्रमुखी बासु एंड आनंदीबाई जोशी। याद रख रहे, ये आनंदीबाई जोशी जी जो थी ये कैलकटा यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी हुई थी, वहाँ का डिग्री इनको नहीं मिला था,
लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक दो नाम बताओ जस्ट इन जनरल, क्योंकि भाई इंडिया में सिर्फ एक कैलकटा यूनिवर्सिटी थोड़ी ना था, बहुत सारे थे छोटे छोटे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया कैलकटा यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई कुछ फीमेल ग्रेजुएट्स, तो वहाँ पे नाम लोगों कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु का। लेकिन इन जनरल पूछा जाए कि भैया कुछ फीमेल ग्रेजुएट्स का नाम बता दो, कैलकटा यूनिवर्सिटी वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो तुम आनंदीबाई जोशी का भी नाम ले सकते हो। एक यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, जब मैं क्लास 10 में थी, आज से 2-3 साल पहले का, आई थिंक 3 साल हो गए मुझे याद भी नहीं है, तो जब मैं क्लास 10 में थी तो हम लोग के टाइम पे हम एक MCQ याद रखते थे, कि MCQ कुछ इस तरीके का था कि इंडिया की पहली डॉक्टर, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। तो हम तो अपने टाइम पे कदम्बिनी गांगुली याद रखते थे, लेकिन अभी जस्ट मैंने जो पिछला बैच पढ़ाया उन लोगों ने बताया कि दीदी उनके मतलब हमारे स्कूल्स में आनंदीबाई जोशी को पहला डॉक्टर बताया जा रहा है, मतलब फीमेल डॉक्टर इंडिया का। तो वो तुम लोग टीचर से कंफर्म करना, क्योंकि मेरे टाइम पे तो हम लोग यही याद रखते थे। अब हो सकता है कि भैया हिस्ट्री में मतलब कुछ इवेंट्स, कुछ फ्रॉड डेटा पहले थे, अब कुछ रिवाइज हुआ, इन्फॉर्मेशन दोबारा से मिला है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना कदम्बिनी गांगुली हम अपने टाइम पे याद रखते थे, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया। बट एट प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं कि आनंदीबाई जोशी इज़ द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया। हाउएवर आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, ठीक है, तो तुम लोग अपने टीचर से एक बार कन्फर्म कर सकते हो। पर रिपीट कर लेते हैं, कैलकटा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 24 जनवरी 1857 में, पहले चांसलर लॉर्ड कैनिन और पहले वाइस चांसलर सर जेम्स विलियम कोलविल। ऑब्जेक्टिव था कि एग्जामिनेशंस लेंगे और डिग्रीज देंगे। पहले ग्रेजुएट जो होते हैं कैलकटा यूनिवर्सिटी से 1858 में बंकिम चंद्र चटर्जी, और कुछ फीमेल ग्रेजुएट्स इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से कदम्बिनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बसु। बट इन जनरल पूछा जाए तो एक और नाम तुम लोग ले सकते हो, आनंदीबाई जोशी। हमारे टाइम पे यानी पूजा दीदी के टाइम पे दीदी को बताया जाता था कि पहली इंडिया की जो फीमेल डॉक्टर थी वो थी कदम्बिनी गांगुली। हाउएवर अभी के हिसाब से कुछ डेटाज अलग अलग नज़र आ रहे हैं, आनंदीबाई जोशी को भी पहला फीमेल डॉक्टर माना जा रहा है इंडिया का। एक बार स्कूल की टीचर से तुम लोग ज़रूर कन्फर्म कर लेना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वुमेन्स एजुकेशन एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रोल के बारे में। जितना इन्फॉर्मेशन मुझे मिला उतना ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तुम लोग को बुक पढ़ते हुए या फिर अपने गाइड को पढ़ते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल अगर मिलेंगे तो वो सारी बातें भी तुम लोग डाल सकते हो। यहाँ पे बस मेरा काम है थोड़ा सा तुम लोगों को समझा देना, आइडिया देना, फिर एक्स्ट्रा अगर तुम लोगों को एडिशनल नॉलेज मिल रहा है तो उसको खुद इकट्ठा करो, खुद पढ़ो। और अगर कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स है जो तुम चाहते हो कि दीदी आप भी थोड़ा ये जान लीजिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, आई एम वेरी हैप्पी टू नो। ठीक है, तो हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में और उनका क्या रोल रहा वुमेन एजुकेशन के अंदर वो देखना चाहते हैं। देखो सबसे पहली बात तो एक बात को क्लियर रखो कि इंडिया के सोसाइटी के अंदर वुमेन का एज सच कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं। ठीक है, वुमेन को हमेशा से ही, आज तो काफ़ी बहुत कम हो गया है, लेकिन हमेशा से ही वुमेन को सोसाइटी के अंदर एक बोझ की तरह देखा गया था कि एक औरत जैसे ही पैदा हुई, एक बच्ची पैदा हुई, तो भाई वो बच्ची एक बोझ की तरह है, क्योंकि उसको बड़ा करके हम लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, वो बड़ी होगी और दूसरे के घर में चली जाएगी, और उसका जब दूसरे के घर में शादी होगा तो उस समय भी दहेज देना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स वेयर थॉट ऑफ, और ऐसा मेंटालिटी था वुमेन के अगेंस्ट, ऐसा तुम लोग सोच सकते हो। और वुमेन की पढ़ाई को लेकर तो कभी भी कोई भी बात नहीं उठता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि वुमेन को पढ़ाकर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसको पढ़ाएंगे, ये बड़ी होगी, शादी करेगी, दूसरे के घर चली जाएगी, फिर वहाँ पे अपने बच्चों को संभालेगी, अपने हस्बैंड को संभालेगी, और इस तरीके से उसका ज़िंदगी बीतेगा। एक औरत को पढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा ही तो थिंकिंग लोगों के बीच में था, बात समझ पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि काफ़ी सोच में बदलाव आया, हालांकि ये बदलाव आने में बहुत समय लगा है ना, लेकिन धीरे धीरे ये सोच में बदलाव आया और अभी भी आ रहा है। लेकिन कई घरों में अभी भी ऐसा है कि लड़कियों को 12th के बाद, खास करके गांव वाले इलाकों में, कि लड़कियों को 12th के बाद पढ़ने नहीं दिया जाता कि भाई तू क्या करेगी पढ़ के, तू घर में बैठ, तेरे को सीखना है तो तू सिलाई वलाई सीख ले, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे को कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तेरा काम है तू बड़ी होकर शादी कर ले और दूसरे के घर चली जा, है ना, ऐसा ही थिंकिंग रखा जाता है। और बहुत ही मैं अपनी मम्मी से भी सवाल करती रहती हूँ कि मम्मी जब एक लड़की अपने घर में होती है अपनी मम्मी के साथ अपने परिवार के साथ,
तो उसको अक्सर ये सुनाया जाता है कि भैया तुमको बड़ी होके किसी और के घर जाना है, ये तुम्हारा खुद का घर नहीं है, तुमको बड़ी होके किसी और के घर जाना है। और जब वो लड़की बड़ी होकर किसी और के घर जाती है शादी करके, तो वहाँ पे उसको वो वाले फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि तुम कहीं और से आई हो, बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ अपनी मम्मी या अपने फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि तुम्हारा घर कहीं और है, और वहाँ जब लड़कियाँ जाती हैं तो वो वाले लोग बोलते हैं कि तुम कहीं और से आई हो। तो एक लड़की का असलियत में घर है कहाँ, समझ में नहीं आता। काफ़ी ये डिस्कशन मैं अपनी मम्मी के साथ करती रहती हूँ। तो वुमेन के एजुकेशन को लेकर पहली बार अगर कोई ओपनली ये कह रहा था कि भैया अगर आप सोसाइटी में ग्रोथ चाहते हो, सोसाइटी में डेवलपमेंट चाहते हो, तो आपको औरतों को भी पढ़ाना पड़ेगा, औरतों का भी एजुकेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आदमियों का एजुकेशन है, इसके ऊपर बहुत ही खुले रूप में आकर के डिस्कशन किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सबको ये क्लियरली बताया कि सोसाइटी का ग्रोथ बिना वुमेन के एजुकेशन के पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब एक औरत पढ़ती है, एक औरत एजुकेशन लेती है, तो वो एजुकेशन वो अपने बच्चों को सिखाती है, फिर वो आगे के जनरेशन में पास ऑन होता है। एक औरत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सोसाइटी के अंदर। तो ये सोच लेना कि उसको नहीं पढ़ाएंगे तो चल जाएगा, ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। औरत को पढ़ाना, उसको पढ़ा लिखा कर कोई नौकरी देना, ये उतना ही ज़रूरी है जितना किसी आदमी को पढ़ाना है। इस बारे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बोला। ठीक है, और इसी सोच के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने फ्रेंड जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून, ये पूरा नाम है, अजीब सा लगता है ड्रिंक वाटर, लेकिन कभी भूलते भी नहीं है, ये नाम याद ही रह जाता है हमें। जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून के साथ मिलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने 7 मई 1849, अगेन ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डेट, गर्ल्स स्कूल की स्टैब्लिशमेंट करी, जो कि बेसिकली हिंदुओं के लिए ही था और अपर क्लासेस जो थे उन्हीं के लिए था। और इसी हिंदू गर्ल्स स्कूल का नाम बाद में चेंज करके रख दिया गया बैथ्यून स्कूल, जस्ट क्योंकि बैथ्यून जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आई विल जस्ट रिपीट, वुमेन का भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए हमें ताकि सोसाइटी डेवलप कर सके। इसी सोच के साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून के साथ मिलकर 7 मई 1849 को हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी, जिसका बाद में नेम चेंज करके बैथ्यून स्कूल रख दिया गया। ठीक है, और इस स्कूल के सेक्रेटरी के पोजिशन पर खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी रहे तकरीबन 13 साल तक, 1850 से लेकर 1863 तक। ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने खुद अपने दम पे बिना किसी से एक रुपया लिए, खुद अपने दम पे लगभग अपने पूरे उम्र में 35 गर्ल्स स्कूल्स खोले थे। भाई बहुत बड़ी बात होती है ना, एक इंसान अगर एक स्कूल भी खोल ले बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्कूल को खोलना, उसको मेंटेन करना, बच्चों का एडमिशन, बच्चों का पढ़ाई, बहुत खर्चे होते हैं। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बिना किसी से फिनेंशियल सपोर्ट लिए 35 गर्ल्स स्कूल खोला था। इट इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का अगर तुम फोटो देखोगे तो बहुत ही सिंपल इंसान, बहुत ही सिंपल इंसान। उनको विद्यासागर भी क्यों कहा गया, विद्यासागर, विद्या यानी नॉलेज एंड सागर मीन्स ओशन, तो बेसिकली ही वॉज द ओशन ऑफ नॉलेज। बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बंगाली मिडिल क्लास ऑफकोर्स, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ का अकड़ या घमंड नहीं। उन्होंने जो कहा कि भैया वुमेन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को उन्होंने प्रूफ भी कर दिया भाई, ओपनिंग सो मेनी स्कूल्स फॉर गर्ल्स, राइट। सो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और भी एडिशनल एक दो पॉइंट मिलेगा तो ज़रूर लिखना। ठीक है, और जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून, जैसा कि तुम लोग समझ ही चुके हो, उनका पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनका एक्चुअल में नाम ना बीटन था, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बीटन, लेकिन होता है ना बंगाली लोग बीटन को बैथ्यून बैथ्यून बोलने लग गए, तो उनका नाम ही सबको बोलने लग गया बैथ्यून जी, है ना। असली नाम बीटन था, जैसे मेरा नाम मौर्य है, लेकिन बंगाली लोग मेरे को बोलते पूजा मोरजो, दे आई थिंक दे डू नॉट प्रोनाउंस य, दे कॉल इट ज, तो पूजा मोरजो वो लोग मेरे को बोलते हैं, तो मोरजो नहीं है मेरा नाम, हालांकि दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग इट, बट इवन दो चलता है भाई। उसी तरीके से असली में उनका नाम तो बीटन था, बट लोग उन्हें, बंगाली लोग जो थे उनको बैथ्यून बैथ्यून बुलाने लग गए, तो उनका नाम फिर जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून ही हो गया। ये बेसिकली अंग्रेज़ थे,
ठीक है, लेकिन फिर तुम देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा इन्होंने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत हेल्प किया, इन्होंने भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत हेल्प किया और अपने बहुत सारे चैरिटी भी दिए इन्होंने। तो अंग्रेज होकर भी इन्होंने एक्चुअल में वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वहाँ पे हम लोग राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर का डिस्कशन करेंगे।